दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। तुम्हें दिखाए जाती हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। हमारा देश एक सुंदर गुलदस्ते में परिवर्तित हो गया, एक बहुरंगी गुलदस्ता जिसमें विभिन्न धर्म व जाति के फूल संजोए हुए थे। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को हमारे इस विभिन्नता पर गर्व था। उनके लिए सभी धर्म के लोग एक समान थे, वह सभी को एक भाव और प्रेम से देखते थे। भाइयों और बहनों, हम हैं हिंदू, इस महान देश के भारतवासी। हमें नाज है अपने देश और प्रेम है अपने देशवासियों के प्रति, जो महात्मा गांधी की आंखों के तारे हैं। बापू ने हमेशा हमारे पंजाब के बहादुर सिख, हम बहादुर नौजवानों ने देश के लिए अपनी बाजी लगा दी। शहीद भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु के त्याग को कोई भी भारतीय भूल नहीं सकता। महात्मा गांधी हमारे प्यारे बापू को इन बहादुर शहीदों पर नाज है। हम मुसलमान गर्व से कबूल करते हैं कि हमें फक्र है हम इस महान देश हिंदुस्तान के निवासी हैं। महात्मा गांधी ने हमें हमेशा सिर आंखों पर रखा, हमें हमारे हिंदुस्तानी होने पर नाज है। Thank you.
of Jesus Christ are filled with pride and reverence for our motherland India. We have amicably mingled with the Indian culture and tradition. We were always held with deep love and respect in the eyes of Mahatma Gandhi, the father of nation. He had deep reverence for our religion and was fond of a hymn from the Bible. हमारा भारत देश सब देशों से न्यारा है। महात्मा गांधी को इसके अनेकता में एकता पर गर्व था। उनके लिए कोई ऊंच नीच नहीं था। उनकी आंखों में भारत एक ऐसा माला है जिसमें अनेक रंगों के फूल पिरोए गए हैं। उनके लिए सभी प्रिय थे, चाहे वो कोई भी पर हम आज देख रहे हैं कि धर्म के नाम पर सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। आज गांधी जी के सपनों को जंग लग गया है। हमें गांधी जी के भारत को टूटने नहीं देना है। आज हमें बापू की बहुत जरूरत महसूस हो रही है। काश वो आज हमारे बीच होते। आज क्या हो रहा है हमारे देश में, सब धर्म के नाम पर आपस में ही लड़ रहे हैं। मैंने तो इस तरह के सपने नहीं संजोए थे अपने भारतवर्ष के लिए। हम सब एक परिवार हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। तो भाई और बहनों, एक साथ बुलंद आवाज में बोलो, भारत की अनेकता, भारत की एकता, भारत माता की, भारत माता की। आज तक इस खूबसूरत दुनिया को जिसने इतना खूबसूरत बनाया वो औरत ही है। उसी का आज हम अधिक मात्रा में भ्रूण हत्या, अपमान, जलाना, मारना और कई अनेक प्रकार के दुष्कर्म लड़कियों के साथ किए जा रहे हैं। लिंगभेद हमारे समाज की एक भयंकर समस्या है। आज हम जब 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं, दूसरी तरफ आज भी हमारे समाज में लड़के और लड़कियों को भिन्न भिन्न दृष्टि से देखा जाता है। आज भी हमारे समाज में लड़के को अधिक महत्व दिया जाता है। आइए मैं आपको वहां ले चलता हूं जहां इस प्रकार की घटनाएं होती है। मैं आपको इस तरह की घटना से रूबरू कराता हूं। मैं कमिंग डॉक्टर। यस कमिंग मिस्टर रोहित। डॉक्टर, मिस्टर ज्योति की रिपोर्ट रेडी है क्या? यस मिस्टर रोहित, इस रेडी। ये रही मिसेस ज्योति की रिपोर्ट। थैंक यू मैम। यू आर वेलकम। क्या हुआ बेटा? वही हुआ जिसका डर था, लड़की है। सत्यानाश हो इस बेटी का। सुन बेटा, मुझे तो पोता ही चाहिए। तुम ज्योति से कहना कुछ तो करे इस बेटी का। मुझे तो बस पोता ही चाहिए, पोता ही चाहिए। रोहित रोहित, क्या हुआ? वही हुआ जिसका डर था, बेटी है। उसमें परेशान होने वाली क्या बात है, मुझे तो बेटी ही चाहिए। पर मगर मैं नहीं चाहता था।
मैं घर चलाऊंगा या इसके लिए दहेज इकट्ठा करूंगा। पर आने वाले समय में तो दहेज वहेज का कोई चक्कर ही नहीं रहेगा, तो बेटा हो या बेटी फर्क ही क्या पड़ता है। अरे आजकल का माहौल देखा है कितना खराब हो गया है, इस माहौल में बेटी को संभालना आसान है क्या। अरे मैं ऑफिस जाता हूँ, तुम ऑफिस जाती हो, इसे संभालेगा कौन। कुछ ऊंच नीच हो गया तो समाज में क्या मुंह दिखाऊंगा। पढ़े लिखे होके भी ऐसी बातें करते हो। ज्योति मैं पढ़ा लिखा हूँ तभी ऐसी बातें करता हूँ। तो क्या मैं डर के मारे जीना छोड़ दूँ। इस डर के कारण 1000 लड़कों पर 770 लड़कियां ही बची है। अगर हर कोई आपके जैसा सोचने लगे तो आने वाले समय में 1000 लड़कों के मुकाबले सिर्फ 100 लड़कियां ही बची रहेगी। जरा सोचो रोहित, जरा सोचो उन 100 लड़कियों का क्या हाल होगा। घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, लोग उन्हें नोच खाएंगे। इसे रोकने के लिए किसी न किसी को तो कदम उठाना ही पड़ेगा ना। फिर बेटा हो या बेटी फर्क ही क्या पड़ता है। फर्क होता है, बेटा वंश बढ़ाता है और बेटी टेंशन। नहीं मुझे नहीं चाहिए बेटी। रोहित आर यू सीरियस। नहीं मैं बेटी को नहीं मार सकती, मैं बेटी को नहीं मार सकती, मैं डबल मेहनत करूंगी। रोहित तुम्हें बेटी को मारना ही होगा। पर रोहित बस बोला ना, बेटी नहीं चाहिए, बेटी या मैं। पर रोहित तुम क्यों नहीं समझते, मैं तुम दोनों में से किसी एक का चुनाव कैसे कर सकती हूँ। प्लीज रोहित। ज्योति बेहोश हो जाती है और बेहोशी में ही उसकी बेटी आती है। भगवान ने अभी तक मेरे हाथों की रेखाएं भी नहीं बनाई और आप लोगों ने अभी से तकदीर का फैसला ही सुना दिया। माँ तेरी सासों से मेरी सासे चलती रही, पर पता नहीं क्यों आज उस सासों का आना बंसा हो गया। एक रूच में तेरे जिस्म की, इस रूच से जिस्म जुदा हो गया। माँ तेरी आंखों का तारा बनकर जिल मिलाना चाहती थी। माँ मैं तुझसे कुछ कहना चाहती थी, मैं जीना चाहती थी। I want to live. Please sir. नहीं नहीं मेरी बेटी ऐसा मत बोल। ज्योति क्या हुआ। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, मैं बेटी को नहीं मार सकती। मरती है तो मर, मैं इस बच्ची को नहीं होने दूंगा। अब मैं बहुत थक गया हूँ, मैं जा रहा हूँ सोने। मैं बेटी हूँ सम्मान दूंगी, मैं बहन हूँ बुला दूंगी, मैं पत्नी हूँ साथ दूंगी, हर पल वंश को सवारूंगी मैं। ईश्वर की कृति संपूर्ण व्यक्तित्व हूँ मैं, सृष्टि की रचना में भागीदार हूँ मैं। बाबा रोको ना हमें, बाबा रोको ना हमें। अरे हम तेरे आंगन की चिड़िया है, न रोको हमें न रोको हमें। छूने आसमान को हमें इरादे भी है, हिम्मत भी है, पंखों के बिना उड़ जाएंगे हम। रोहित सपने से उठकर आता है। माँ मुझे माफ कर दो, सुन चिड़िया मेरे आंगन में वापस आ जाओ। नहीं कभी नहीं। हाँ मैं एक बेटी हूँ, मैं लक्ष्मी भी, मैं सरस्वती भी, मैं पार्वती भी, मैं संतोषी भी हूँ, और मैं ही अन्नपूर्णा भी हूँ। क्या आप ही देवियाँ हो। हाँ ब्रह्मा जी ने हम सबको मिला के देवियाँ बनाया है, ताकि मैं लक्ष्मी बनकर सुख दूँ, सरस्वती बनकर ज्ञान दूँ, और अन्नपूर्णा बनकर खुशहाल बनाऊँ। और तुमने हमारी जिंदगी को खत्म कर दिया। हमारा कसूर क्या था, हम तो तुम्हें कुछ देने आ रहे थे। तुम ही हमारे मंदिरों में आते हो, झोलियां फैलाते हो, और तुम ही हमारे को कब्र बनाते हो। तुम्हें हमारे मंदिरों में आने का कोई हक नहीं है। मुझे माफ कर दो, आजकल के हालात को देखकर मैं डर गया था। हालात को दोष मत दो मुल, ये हालात भी तुम जैसे गंदी सोच के लोगों ने बनाया है। अरे मुल अगर बेटा वंश है तो बेटी अंश है, बेटा गीत है तो बेटी संगीत है, बेटा गवाह है तो बेटी दुआ है, बेटा आन है तो बेटी शान है, और अगर बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य विधाता है, क्योंकि बेटा भी औरत के कोख से ही जन्म लेता है। मुझे माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, मैं बेटी बचाऊंगा। अब मैं समझ गया हूँ, बेटा और बेटी एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर हमें अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है तो बेटी को बचाना ही होगा। हाँ रोहित तुम ठीक कह रहे हो, अगर हमें इस दुनिया को बचाना है तो इन्हें दुनिया में लाना ही होगा। कोई
उन्नति की आह जाएगी। जादू ढेंगे बाजे हमारे, सच बनेगा ही भारत। जादू ढेंगे बाजे हमारे, सच बनेगा ये हमीर की मदद करते हैं। हाँ हाँ चलो चलो।
हमें आपको पता है कल मुझे मेरे स्कूल में स्वच्छतापन के लिए फर्स्ट प्राइज मिला। अरे वाह क्या बात है, शाबाश, इस बात पे तो टॉफी बनती है, ये लो। अरे अरे ये क्या कर रहे हो, टॉफी खाने का कचरा यहाँ पे फेंक रहे हो, ऐसे कैसे तुम्हें स्वच्छता अभियान में फर्स्ट प्राइज मिल गया? ये हमारा काम थोड़ी ना है, ये ग्राम पंचायत वालों का काम है। ये देश को साफ करना हमारे एक का काम नहीं, हम सब का काम है। उड़ा दिया हम इस बात को मजाक में, भुला दी जिम्मेदारी सरकार के नाम पे, बंद करो एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराना, युवा दोस्तों को हमें ये पाठ है पढ़ाना। चलो भाई बैठो 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 बैठो, चलो पान खा दो जरा, ये लो तुम भी लो। कितनी बदबू आ रही है यहाँ से, ये हमारे देश की दीवारें हैं, कितनी गंदगी मचा रखी है। और देखो यहाँ कुछ लिखा भी है, यहाँ लिखा है कि यहाँ थूकना मना है, फिर भी लोग ये कर रहे हैं। भाइयों और बहनों कृपया करके हमारे देश की दीवारों को गंदा ना करें, ये हमारी आपसे विनती है। अच्छा लिखा है यहाँ थूकना मना है। अच्छा थूकना है, अच्छा लिखा है, अच्छा थूकना है, अच्छा थूकना है, हाँ थूकना है। आँखों अरे अरे भाई आप लोग ये क्या कर रहे हो, यहाँ लिखा है यहाँ थूकना मना है। यहाँ पे थूकना मना है? हाँ यहाँ लिखा है यहाँ थूकना मना है। छोरी ने बात तो छोकी कहे थे। चलो ठीक है, सॉरी मैडम जी सॉरी। ये देश हमारा है, ये हमारे घर जैसा है, प्लीज इसे गंदा ना करें और ना ही किसी को करने दें। क्या होगा इन लोगों का, इन्हें हमें ही समझाना होगा, ये एहसास दिलाना होगा कि इस देश की सफाई की जिम्मेदारी किसी एक की नहीं हम सब की है। मैं आपसे अपने विद्यालय पीस वर्ल्ड कॉर्पोरेट स्कूल की तरफ से आप सभी से विनती करती हूँ कि आए और हमारे सहयोग करें इस देश को साफ करने में। चलो आज ये हम प्रण लेते हैं कि इस देश को साफ करने की जिम्मेदारी सिर्फ किसी एक की नहीं हम सब की है। हम सबका एक नारा, साफ सुथरा देश हमारा। हम सबका एक नारा, साफ सुथरा देश हमारा। हम सबका एक नारा, साफ सुथरा देश हमारा। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद। लेकिन प्लास्टिक एक अहम मुद्दा बन चुका है, इसलिए इस मुद्दे को सुलझाने के लिए हमारे साथ कुछ सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
जैसे कि आपको पता है कि प्लास्टिक के तरह तरह के मुद्दे हैं, तो इस मुद्दे को दिखाने के लिए हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। माँ और बेटे के स्कूल से आने के समय का दृश्य। मम्मा मम्मा आपके पर से चिप्स दो ना, मुझे खाना है। बेटा घर जाकर खा लेना। नहीं मुझे अभी खाना है। टिफिन लेकर गए थे ना तुम, अभी घर पर जाकर खाना ही खाना। नहीं मैंने टिफिन नहीं खाया, मेरा टिफिन क्लास में गिर गया था। कैसे? वो मेरे दोस्त ने गलती से गिरा दिया था। अच्छा ये लो। माँ ने बेटे को चिप्स देने के बाद चिप्स की प्लास्टिक की थैली भाई पे नीचे फेंक दी। बेटा स्कूल में क्या क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बस मैम ने इंग्लिश ग्रामर के रूल्स बताए, साइंस में न्यूरॉन के बारे में बताया और मैथ्स में बुक चेकिंग के लिए ली। अच्छा ठीक है। एक औरत के घर का दृश्य। मेरा सारा काम खत्म हो गया, ये काम वाले अब तक आए नहीं, बच्चों ने सारा सामान इधर उधर बिखेर रखा है और ऊपर से मेहमान भी आने वाले। एक काम करती हूँ, ये सारा सामान गीला और सूखा कचरा एक थैली में बांधकर बाहर फेंक देती हूँ। एक फैमिली के घर का दृश्य। पापा चलो आज बाहर बीच में जाते हैं। आज नहीं बेटा, कभी और चलेंगे। पापा पापा आज छुट्टी है स्कूल की, चलो ना। नहीं बेटा आज नहीं। चलो ना, वैसे भी कितने दिन हुए हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। चलो आज तुम इतना बोल रहे हो तो जाके ही आ जाए। यस। बीच पर पहुंचने के बाद का दृश्य। पापा पापा चलो ना कुछ खाते हैं। अभी तो खाया था घर पे, कितना खाओगे? पापा एटलीस्ट जूस तो पिला दो। हाँ चलो ना जूस पीते हैं। जूस पीने के बाद उन्होंने प्लास्टिक ग्लासेस और प्लास्टिक स्ट्रॉस वहीं पे समुद्र पर फेंक दिए। देखो देखो मेरा प्लास्टिक का कप तैरने लगा। देखो मेरा प्लास्टिक का कप तुमसे कितना आगे गया है, पर वहाँ कई सारे प्लास्टिक कप स्ट्रॉस प्लेट्स हमसे भी आगे गए हैं। चलो बेटा घर पे चलो। हाँ चलो। एक आदमी का न्यूज़पेपर पढ़ते समय का दृश्य। छी छी क्या जमाना आ गया है। क्यों क्या हुआ? कभी कोई मर रहा है तो कभी कोई। हाँ दिखाओ। ये देखो गाय के पेट में 10 किलो प्लास्टिक मिला। हाँ बेचारी गाय। और ये देखो एक ब्लू व्हेल की प्लास्टिक की वजह से मौत हो गई। कितनी बड़ी है ये ब्लू व्हेल और एक छोटे से प्लास्टिक ने इसे मार दिया। कितनी हानिकारक होती है ये प्लास्टिक। बहुत ज्यादा। ये सरकार भी ना कितने बड़े बड़े वादे करती है पर निभाती नहीं। ये सिर्फ घर पे बैठ के मजे करते हैं, जैसे वादे तो इन्होंने कुछ किए ही ना हो। वही ना। जैसे कि आपको पता है कि आपने देखा प्लास्टिक पर कितने मुद्दे हैं, तो इस पर आपका क्या विचार है? ये प्लास्टिक ने हर जगह दबाई मचा रखी है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। ये महाराष्ट्र सरकार ने सबसे अच्छा किया, प्लास्टिक को ही बैन कर दिया। अगर ये प्लास्टिक ना होता तो कितना अच्छा होता। हाँ सच में। ये तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि ये सब प्लास्टिक की गलती है? हाँ। रुको रुको मैडम, पहले उनकी बात तो सुन लो। सोचो वो प्लास्टिक वहाँ आया कैसे, हम इंसानों ने रखा, वो खुद तो वहाँ चल के नहीं आया ना। हाँ। तो इसमें गलती किसकी, हमारी या उस प्लास्टिक की? हमारी। और हम खाली अपनी सरकार को दोष देते जो हमारे लिए कितना कुछ करती। जैसे अभी आपने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने प्लास्टिक बैन कर दिया है, पर वो ऐसा करते ही नहीं। अगर हम प्लास्टिक का इस्तेमाल सही से और कम करते तो वो ऐसे। उसकी माँ को प्लास्टिक के बैग में चिप्स लाने की कोई जरूरत नहीं थी। उसे और उसके बेटे को खाने के बाद चिप्स नीचे नहीं फेंकना चाहिए था, उसे उसकी माँ को देना चाहिए था ताकि वो घर पे जाके उसे डस्टबिन में डाल सके। दूसरा उस लेडी को ये सोचना चाहिए था, अगर मेहमान आने वाले हैं तो क्या हुआ, मैं अपनी गली अपनी देश अपनी सड़क थोड़ी ना गंदा करूंगी। और दोनों कचरा अलग अलग करके साइड में रख देती। और तीसरा मुझे पता है उस बीच में जाने वाली फैमिली को क्या करना चाहिए था। क्या? उस पापा को उन्हें चीज ही नहीं देना चाहिए था। नहीं, हम प्लास्टिक बैन की वजह से अपनी ख्वाहिशों को नहीं मार सकते। उन्हें उस जूस वाले अंकल को ये बोलना चाहिए था कि अंकल हमें प्लास्टिक के कप और स्ट्रॉ नहीं चाहिए, हमें पेपर के कप और स्ट्रॉ दो। और उन्हें पीने के बाद उन्हें नीचे नहीं फेंकना चाहिए था, उन्हें घर पे लेकर जाके डस्टबिन में फेंकना चाहिए था, समझी? ओ। और चौथा मुझे पता है वो न्यूज़पेपर वाले को क्या करना चाहिए था। क्या? उसे पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेना चाहिए था और नेता बनकर इस कार्रवाई को और आगे ले जाना चाहिए था। नहीं, पर इसमें तो कितने साल लग जाते, उसे सरकार पर और न्यूज़पेपर पर तू तू छीछी करने के बजाय सोसाइटी से पैसे लेकर एक ब्लू और ग्रीन डस्टबिन लाना चाहिए था ताकि कभी भी अगर कचरा वाली ना आए तो वो वहाँ पे कचरा फेंक सके, समझे तुम? हाँ। अरे मैडम ये अपने मुद्दे की बात की, पर हमारे अकेले के ऐसे करने से क्या होगा? हाँ हमारे अकेले के करने से क्या होगा,
आज हम करेंगे, कल तुम करोगे, कल तुमको देखकर कितने बाकी लोग करेंगे। चलो ये सब तो समझ गए, अभी आपको भी समझना होगा। और एक बात हमेशा याद रखनी है, प्लास्टिक की नई कोई शान मिटा दो, इसका ना कोई शान। प्लास्टिक की नई कोई शान मिटा दो, इसका ना कोई शान। प्लास्टिक की नई कोई शान मिटा दो, इसका ना कोई शान। बिल्कुल सही उत्तर आपका।